बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर से हत्या की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मामला कटिहार का बताया जा रहा है, जहां आरजेडी नेता सह व्यवसायी निर्मला बुबना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात सलमारी थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास की है, जहां मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तीन लोग थे। क्या हुआ, कैसे आया? वो आते हुए किधर से आया नहीं देखे हैं, हम लोग हिसाब मिला रहे थे, आया और आके अंदर घुसा और छीन छान के बंदूक ताना और छीन छान के लेके दो थप्पड़ मारा। कितने लोग थे? लगभग तीन लोग। एक लोग एक बाइक में था और दो अंदर। कितने देर पहले घटना है? ये आधा घंटा पहले। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमन जुड़ चुके हैं। सुमन, आम आदमी तो क्या, अब नेता भी अपराधियों के जो है शिकार बन रहे हैं और आरजेडी नेता को गोलियों से भून दिया गया है। क्या कुछ सामने इस पर निकल गया है? क्या किस विवाद में या फिर किसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए ऋषिक, ये जो है कटिहार जिला में जो है राजद के नेता हैं और बड़े एक व्यवसायी हैं, जिसको प्रसिद्ध व्यवसायी बोला जाता है, निर्मल बबना नाम है इनका। इनका जो है कि शाम में अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या की गई है और इसमें जो अब तक सामने आया कि दर्जनों गोली जो है इसको मारी गई है। ये सलमारी थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास घटना है और वहां के ही ये जो प्रसिद्ध व्यवसायी है राजद नेता निर्मल बबना, उसी जगह उनका घर है। घर के सामने में ही अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी, उसके बाद बाइक से भागते हुए एक पेट्रोल पंप में जाके घटना का अंजाम दिया है। एक पेट्रोल पंप को भी लूटा गया है और लूटने के बाद जो है अपराधी फरार है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अभी की जो अपडेट खबर है, जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है तारकेश्वर प्रसाद, वो मौके पर मृतक के परिजन के यहाँ पहुंचे हुए। क्षेत्र के विधायक है, कटिहार के एसपी विकास कुमार है और मौके पर पहुंच के जो है इस घटना का जायजा ले रहे हैं। हत्या क्यों हुई है, क्या कारण है, इस पर पुलिस अभी तक में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जी सुमन, आपने बताया कि डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद जो है मृतक के घर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ उन्होंने कहा इस पर, क्या मीडिया से बातचीत उन्होंने की है? देखिए अभी मौके पर पहुंचे हुए हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और कटिहार सदर के विधायक भी हैं। तो और ये जो है निर्मल बबना जो है एक प्रसिद्ध व्यवसायी के साथ राजद नेता है और एक चर्चित जो है कटिहार जिले के व्यवसायी माने जाते हैं। तो इस घटना की जानकारी जैसे जो डिप्टी सीएम को मिली और सहित जो क्षेत्र के जो भाजपा के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं और जदयू के जो विधायक हैं, वो उनके घर पे गए हैं, उनके पूरे परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर मामला क्या था, कैसे रंजिश के कारण हत्या हुई है या राजनीतिक मतभेद के कारण हत्या हुई है या और कोई मामला है, पैसा का लेन देन का है, क्या है? तो इस पूरे मामले पर अभी तक कोई पुलिस के द्वारा लेकिन क्या मृतक के परिजनों का कुछ कहना है, कोई किसी पे शक कि किसने इस घटना को, क्या किसी का उन्होंने नाम वाम लिया है? देखिए मृतक के जो पत्नी है, उनके पिता है, उनका जो है कि घटना की जानकारी जैसे मिला वो जो है कटिहार सदर अस्पताल पहुंचे, उन लोगों का जो है अभी कुछ मीडिया से बात भी नहीं किया ना बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का हाथ है जिसके कारण यह हत्या हुई है। लेकिन इस हत्या से पूरे कटिहार में जो है व्यवसायी सहित जो है लोग मरमाहत हैं, क्योंकि ये जो निर्मल बबना है एक प्रसिद्ध राजनीतिक के घरानों से आते हैं और एक व्यवसायी हैं, जिसको लेकर पूरे कटिहार में शोक की लहर है। जी एक आखिरी सवाल सुमन आपसे, क्योंकि विपक्ष के नेता थे निर्मला बबना, तो क्या विपक्ष की तरफ से कोई बयान कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं और आगे क्या कुछ करेंगे वो सरकार के समक्ष? देखिए जहां तक महागठबंधन के जो नेता हैं वो राजद का हो कांग्रेस का, उन लोगों ने तो सीधा आरोप लगाया है बिहार में जो जो अभी अपराध बढ़ा है लगातार लेकर, उन्होंने सवाल उठाया कि ये बिहार में लगातार अपराध हो रहा है, दिन दहाड़े किसी व्यवसायी रहे नेता रहे उनकी हत्या हो रही है, पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो है हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, ना तो इनका जो है पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं या जिला लेवल के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ मीडिया हो या आम लोगों को सिर्फ यही मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हैं कि कार्रवाई हो रही है, होगी, अपराधी जल्द गिरफ्तार होंगे, इस तरह का। तो इन पे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि कब तक आखिर लोगों का हत्या होते रहेगा इस बिहार में,
इस पर कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस हत्याकांड में किन लोगों ने इसकी हत्या कराई है, कौन लोग इस आपसी रंजिश है या पैसे का लेन देन है या बिजनेस को लेकर ये हत्या हुई है या राजनीतिक मतभेद के कारण। ये बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इस खबर पर बने रहें और जैसा भी कुछ हो जरूर साझा करें। धन्यवाद।